मैं दिलीप कुमार, सिलचर असम से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्र प्रेरणा भारती का प्रकाशक हूँ। आज जो देश की वर्तमान परिस्थिति है, दुनिया की जो स्थिति है, वो बहुत ही बड़ा एक संकट पूरी मानवता के ऊपर मंडरा रहा है। ये COVID-19 नोबेल कोरोना वायरस, ये जो चीन के वुहान शहर से शुरू होकर के और पूरा यूरोप, अमेरिका, ईरान और दुनिया के 74 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है, वो अब हमारे भारत में भी बड़ी तेज़ी के साथ अपने पैर पसार रहा है। मैं पत्रकार हूँ, लॉकडाउन की स्थिति में भी मुझे समाचार संग्रह के लिए निकलना पड़ता है, लेकिन मैं सभी देशवासियों से ये अनुरोध करता हूँ कि इस लॉकडाउन में जो सरकार का निर्देश है उसका पूरी तरह पालन करें, घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहें। यदि बहुत ज़रूरी राशन के लिए जाना है तो जिस दुकान में जाएं वहाँ पर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। कोई दवा के लिए जाना है, बहुत ज़रूरी कार्य हो तभी घर से निकले और घर में रहें, किसी के यहाँ न जाएं और न किसी को अपने यहाँ बुलाएं। ये सामाजिक दूरी बनाए रखना आज हमारी आवश्यकता है। हमारी संस्कृति त्याग और बलिदान की है, हम दूसरे के लिए त्याग और बलिदान किया करते हैं। आज वो अवसर है कि हमें अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को नियंत्रित करना है और सरकार जो प्रयास कर रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से अपने देशवासियों को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारी असम सरकार और असम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी जिस प्रकार दिन रात एक किए हुए हैं, हमारे सभी चिकित्सालयों के चिकित्सक, हमारे पुलिसकर्मी और विभिन्न विभागीय सेवाएं हैं, वो जो लोग लगे हुए हैं अपने जीवन को खतरे में डाल करके, आज उनके त्याग और बलिदान को स्मरण करते हुए हम उनका सहयोग करें, कोऑपरेशन करें, घर से ना निकले। घर से बाहर जाते हैं, आते हैं किसी भी काम से, तो घर में आकर के साबुन से अच्छी प्रकार से हाथ धोएं, फिर घर में घुसे या घर में घुसने से पहले हाथ धोएं, कोई सामान को टच ना करें, स्पर्श ना करें जब तक हाथ ना धो लें, जो कपड़ा पहन के गए हैं उसको निकाल के धूप में डालें और अपने परिवार के लोगों को भी जब बाहर से आप आए और जाएं तो जब तक पूरी तरह से आप स्नान न कर लें, कपड़े न बदल लें, तब तक उनका स्पर्श न करें। आज हमें ये जो मानदंड बनाए गए हैं उनको पालन करना, विशेष करके बार बार हाथ धोते रहना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, गर्म पानी पीते रहना, ये सब जरूरी हो गया है। खाने पीने के लिए हम लोगों को थोड़ी समस्या हो सकती है, घर में रहने से हमें थोड़ी तकलीफ हो सकती है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, लेकिन ये एक 14 अप्रैल तक जो लॉकडाउन का पालन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया है उसका सभी पालन करें। आज दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज से लोगों ने निकल करके आज वो पूरे देश में ये वायरस को फैलाया है और वो अभी भी बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। मैं इसे सारे लोगों से भी अपील करता हूँ कि वो सामने आए, हॉस्पिटल में जाएं, उनकी चिकित्सा होगी, उनका ट्रीटमेंट होगा, वे छुप करके अपने और अपने परिवार की जान जोखिम में डाल रहे हैं, अपने गांव और मोहल्ले की जान जोखिम में डाल रहे हैं। सभी लोगों को छुपना नहीं चाहिए और सामने आकर के चिकित्सा करानी चाहिए और तभी जा करके वो बचेंगे, उनका परिवार बचेगा और देश बचेगा। आज समाज, परिवार, देश और पूरी मानवता को बचाने के लिए हम सभी के ऊपर ये दायित्व आया है, हम लोगों को इसका पालन करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो दो बार अनुरोध किया, एक बार हमारे डॉक्टरों के, पुलिसकर्मियों के और जो ड्यूटी में लगे हुए हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए ताली बजाने के बारे में, चाहे पिछला 5 तारीख को रात्रि 9:09 तक दिया जलाने के बारे में, यह सभी हमारे शास्त्र सम्मत
विधि संपत्त उपाय है, लोगों को भावनाओं से जोड़कर एकजुट करके देशवासियों को और इसका मुकाबला किया जाए, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी दिनरात प्रयास कर रहे हैं। हमारी असम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा जी और सभी डॉक्टर, चिकित्सक, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और भी अनेकों लोग लगे हुए हैं हम सब की सुरक्षा के लिए। मैं ये अपील करता हूँ कि आप पालन करें सरकारी निर्देशों का और समय समय पर जो सूचनाएं मिलती हैं उसका अनुसरण करें, अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय।